नमस्कार, मैं रोहिता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। मुंबई में बेस्ट की 5 नई एसी बसें आ चुकी है जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। किराए में कटौती के बाद बेस्ट परिवहन की बसों से यात्रा करने वालों के लिए एक और खुशखबरी है। बेस्ट परिवहन के लिए वातानुकूलित बसों की नई खेप आनी शुरू हो गई है। मुंबई में 5 ऐसी बसें आ चुकी है जो इलेक्ट्रिक बसें हैं। बेस्ट परिवहन को कुल 80 ई बसें मिलनी है, इसमें से 40 ऐसी बसें होगी। ये बसें 2 चरणों में मुंबई पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। बेस्ट डिपो में पार्किंग की सुविधा के बाद अब बीएमसी मुंबईकरों को नए विकल्प उपलब्ध कराने में लगी है। बेस्ट डेपो में पार्किंग की सुविधा के बाद बीएमसी अब मुंबईकरों को पार्किंग के नए विकल्प उपलब्ध कराने के लिए नए प्रयासों में लग गई है। ऐसी कड़ी में मॉल मालिकों के साथ बातचीत हो गई है। मॉल में सामान्य दिनों में खाली रहने वाली पार्किंग जनता के लिए खुले करने के पर्याय पर चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। मुंबई उच्च न्यायालय ने आरबीआई से नोटों और सिक्कों के आकार बदलाव के पीछे की वजह पूछी है। मुंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक से नोटों और सिक्कों के आकार तथा अन्य विशेषताओं में समय समय पर बदलाव के पीछे की वजह पूछी। मुख्य न्यायाधीश प्रतीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आरबीआई के नए नियमों की वजह से एटीएम का खर्च बढ़ा है, इसीलिए सरकार बैंकों को एटीएम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में एटीएम का इस्तेमाल करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी बैंक एटीएम की संख्या घटा रहे हैं। वहीं निजी बैंकों के एटीएम बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में सरकारी बैंकों ने 10,809 एटीएम बंद किए, वहीं निजी बैंकों ने इस दौरान 3,975 नए एटीएम लगाए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कैश को लेकर आरबीआई के नए नियमों की वजह से एटीएम का खर्च बढ़ा है। ऐसे में सरकारी बैंकों को एटीएम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। MVTV News। महाराष्ट्र के 6 जिलों को डीजल मुक्त करने की तैयारी चल रही है। अब डीजल से 15 से 20 रुपए सस्ते बायोफ्यूल से वाहन चलेंगे। महाराष्ट्र के 6 जिलों को अगले 5 साल में पूरी तरह डीजल मुक्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा जिलों को डीजल मुक्त करने की घोषणा की थी। इन जिलों के वाहनों में डीजल की जगह करंज वनस्पति के बीजों से बने बायोफ्यूल या बायो डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा। गडकरी के मार्गदर्शन में ग्रीन क्रूड बायोफ्यूल फाउंडेशन इस पर काम कर रहा है। शुरुआत में करंज के करीब 3 से 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। प्रदेश सरकार ने हाइपर लूप प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और अब मुंबई पुणे का सफर सिर्फ 35 मिनट में तय होगा। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार का हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह दुनिया में पहली बार है जब किसी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति दी है। हाइपर लूप तैयार होने के बाद मुंबई पुणे का सफर महज 35 मिनट में तय हो सकेगा। अभी सड़क मार्ग से यह दूरी 3.5 घंटे में पूरी होती है। यह ट्रेन चुंबकीय तकनीक से लेस पॉट पर बुलेट ट्रेन से 2 गुना रफ्तार से चलेगी। वैक्यूम ट्यूब सिस्टम से गुजरने वाले कैप्सूल जैसी हाइपर लूप में यह ट्रेन करीब 1200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।